hello friends very warm welcome to lk academy i hope every one of you is safe and doing well at your home so welcome again to our current affairs lecture series i hope that you have gone through all the previous lectures uh, so today we will continue with the सम ऑफ़ दी न्यू टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियाज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मालदीव्स जिसको प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फ्रॉम मालदीव्स सो माले इज़ कैपिटल ऑफ मालदीव्स रिसेंटली एफ़कॉन्स तो एफकॉन नाम की एक इंडियन कंपनी है जिसने साइन uh, किया है एक कॉन्ट्रैक्ट GMCP के लिए सो रिसेंटली एफकॉन्स एन इंडियन कंपनी हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव विच इज़ द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसको हम जी एम सी पी के तौर पर जानते हैं द प्रोजेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ बाइलेट्रल कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव एंड हैज़ बीन अंडर डिस्कशन सिंस द विजिट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू माले इन सप्टेम्बर ट्वेंटी नाइनटीन ओके okay, तो देखिए इंडिया अपनी प्रेजेंस जो है वो इंडियन ओशन के जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ है या इंडियन ओशन के जितने भी ओवरऑल जितने भी लोकेशंस है वहाँ पे इंडिया अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है व्हाई बिकॉज वी वांट टू काउंटर चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो प्रोजेक्ट है उसको हमें काउंटर करना है एंड अगर हम चाइना को काउंटर नहीं करते हैं तो आने वाले सालों में आ, इंडिया के साउथ के जो रीजन है वहाँ पे भी चाइना का इन्फ्लुएंस हमें बढ़ता हुआ दिखेगा विच वी डू नॉट वॉन्ट वाई बिकॉज इट्स अ थ्रेट टू अवर सोवरेनिटी एंड अवर डिफेंस सो क्या है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सो इट विल कन्जिस्ट ऑफ अ 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज एंड कॉजवे लिंक बिटवीन माले एंड नियर बाई आईलैंड ऑफ विंजली गुल्ही एंड थिलाफुशी इट विल यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी तो एक ग्रीन एनर्जी को यूज़ करके ये आ, ब्रिज बनाया जाएगा द प्रोजेक्ट इज़ फंडेड बाई अ ग्रांट ऑफ यू एस डॉलर हंड्रेड मिलियन एंड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ़ यू एस डी फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर फ्रॉम इंडिया अब देखिए फ़र्क क्या है ग्रांट के बीच में और लाइन ऑफ क्रेडिट के बीच में सो ग्रांट इज़ अल्प जिसको कोई कंट्री वापस नहीं लेगा उसको हेल्प के तौर पर उस कंट्री को दे दिया गया है ओके टू मेक आवर रिलेशनशिप्स बेटर लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है सो लाइन ऑफ क्रेडिट इज़ अ लो इंटरेस्ट लॉन्गर पीरियड लोन पचास सालों के लिए साठ सालों के लिए सत्तर सालों के लिए या हो सकता है कभी कभी सौ सालों के लिए ये लोन दी जाती है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ वेरी लो तो मालदीव्स ये जो 400 मिलियन यूएस डॉलर है वो आने वाले कई सालों तक यूज़ भी कर सकेगा इस प्रोजेक्ट के लिए और उसको लौटाने में भी उसको काफ़ी टाइम मिलेगा सो द प्रोजेक्ट इज़ फंडेड बाय अ ग्रांट ऑफ यूएसडी 100 मिलियन एंड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ यूएसडी 400 मिलियन फ्रॉम इंडिया इट इज़ नॉट ओनली द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इंडिया इज डूइंग इन द मालीव बट ऑल्सो द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द मालदीव ओवरऑल तो ये मालदीव्स का अगर होल में भी बात की जाए तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन मालदीव टिल डेट सिग्निफिकेंस क्या होगा सो इट इज़ कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक लाइफ लाइन फॉर द मालदीव एंड विल प्रोवाइड अ मेजर बूस्ट टू कनेक्टिविटी बिटवीन द फोर आईलैंड अकाउंटिंग फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मालदीवियन पॉपुलेशन इट विल एड डायनेमिज्म टू द मालदीवियन ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो मालदीव में काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिलेगा इंडिया मालदीव्स एंड चाइना के बीच का क्या रिलेशन है और उनके जो डायनेमिक्स हैं उनको ये कैसे असर करेगा सो दी जी एम सी पी प्रोजेक्ट वुड बी बिगर देन दी सिनामले ब्रिज बिल्ट विथ चाइनीज असिस्टेंस दैट कनेक्ट्स माले विथ हुलू माले एंड हुलू हुले एंड वॉज कंप्लीटेड इन ट्वेंटी एटीन तो ये चाइना से बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो हम ज़्यादा मालदीव्स के करीब है इससे हमें ये पता चलता है also the indian aid to maldives in august 2020 was appreciated and contrasted with the previous expensive commercial loans to maldives by china which are being termed debt trap diplomacy of china so we are helping maldives by uh, not taking loan from china

क्यों क्योंकि उसने हम्बन डोटा पोर्ट चाइनीज असिस्टेंट से बनाया जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए थे वो हम्बन डोटा पोर्ट वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया नाउ चाइनीज जब वापस अपना लोन वसूल करने के लिए आए देन श्रीलंका डज नॉट हैव Any option but to uh, give the control of the Hambantota port to Chinese authorities. तो so, ऐसा ही बाकी छोटे-छोटे countries के साथ ना हो इसके लिए India काफी मेहनत कर रहा है. Uh, USA ने एक पूरा blue dot network करके एक plan launch किया है, uh, जिसमें अभी तक participate I mean the member countries are USA, uh, uh, USA, Australia and Japan. The India Maldives relationship suffered a setback when Maldives entered into a free trade agreement with China in 2017. अब देखिए ये भी Maldives के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि Maldives का जो market है वो China के लिए open हो गया है. Maldives को इससे काफी कुछ फायदा नहीं होगा.

इम्प्रूव uh, करने के लिए वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग इंडियन असिस्टेंस ओवर देयर इंडिया हैड आल्सो अनाउंस्ड अ 800 मिलियन यूएसडी लाइन ऑफ़ क्रेडिट टू मालदीव्स इन दिसंबर 2018 तो ये फेज़ वाइज़ तरीके से ये 800 मिलियन यूएसडी डॉलर की जो लोन है लाइन ऑफ क्रेडिट है वो मालदीवस को फेज़ uh, वाइज तरीके से दी जाएगी रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है तो पहला तो है सिक्योरिटी कोऑपरेशन

इंडिया वेलकम्ड the इलेक्शन ऑफ Maldives foreign मिनिस्टर as the प्रेसिडेंट ऑफ the 76th session सेशन ऑफ United यूनाइटेड नेशंस जनरल for फॉर 2022 ट्वेंटी वन एम ओ यूज कितने हुए हैं सो इन नवंबर 2020 काफी रीसेंट पास्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं सो इन नवंबर 2020 इंडिया एंड दी मालदीव्स साइंड फोर मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड अ इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स रिलीफ पैकेज तो इंडिया ने ऑलरेडी वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव तो जो था इंडिया का उसमें मालदीव्स को वैक्सीन प्रोवाइड करवाई है इन अगस्त 2020 ट्वेंटी इंडिया हैज़ कमिटेड टू मालदीव फाइव प्रॉन्च्ड पैकेज इंक्लूडिंग एयर सी इंट्रा आइलैंड एंड टेलीकम्युनिकेशन्स टू हेल्प इट डील विद द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कोविड 19 पैंडमिक बाइलेक्ट्रल बबल बनाया गया था कोविड uh, 19 के टाइम पे एविएशन को चालू रखने के लिए वाई बिकॉज मालदीव इज Uh, जो इकोनॉमी है वो वहाँ पे मेन टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है सो मालदीव इज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री विथ विच इंडिया स्टार्टेड अ बायलेटरल एयर बबल ड्यूरिंग द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक तो इतने स्ट्रोंग रिलेशन है एंड इट इट इज गोइंग स्ट्रॉंगर डे बाई डे बायोलेट्रल विजिट्स कब से हुई सो so, सीन्स September ट्वेंटी एटीन पिछले तीन सालों में इंडिया एंड मालदीव हैव सीन नंबर ऑफ बायोलेट्रल विजिट्स जो कि पहले नहीं होता था इंडिया प्राइम मिनिस्टर विजिटेड मालदीव टू अटेंड द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट सोली मालदीवस प्रेसिडेंट ऑल्सो विजिटेड इंडिया इन डिसंबर ट्वेंटी एटीन दी होम मिनिस्टर ऑफ मालदीव मेट दी इंडियन होम मिनिस्टर इन फेब्रुवरी ट्वेंटी ट्वेंटी मालदीव एंड इंडिया आर मेम्बर्स ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन दैट इज़ सार्क एंड द साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन दैट इज साक तो हमारा जो बायोलिट्रल रिलेशन है इकनॉमिक रिलेशन है कल्चरल रिलेशन जो है वो डे बाई डे स्ट्रॉगर होता जा रहा है एंड मालदीव ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है दैट इंडिया इज़ पेइंग इन एक्स्ट्रा अटेंशन टू दैट वाई बिकॉज टू काउंटर चाइना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हाउ इट विल अफेक्ट चिल्ड्रन ऑफ़ दी डिफरेंट रिजन डिफरेंट कंट्रीज और वी ऑलरेडी नो दैट यूनिसेफ जो है वो बच्चों के एजुकेशन के लिए उनके वेलफेयर के लिए काम करता है सो यूनिसेफ ने यह इंडेक्स पब्लिश किया है दैट इज़ नोन एज चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सो रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रंस फंड इन कोलाबरे विथ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर दिस इज अनदर एजेंसी लॉन्च अ रिपोर्ट नेम्ड द क्लाइमेट क्राइसिस इज़ अ चाइल्ड राइट्स क्राइसिस

Earlier, an analysis based on Notre Dame Global Adaptation Initiative Index had shown the impact of climate change on children across the world. और देखिए ये बेसिकली लेवल ऑफ क्लाइमेट रिस्क ऑन वेरियस कंट्रीज है एक्सट्रीमली हाई सो इंडिया इज इन एक्सट्रीमली हाई कैटेगरी इसका क्या मतलब है कि इंडिया में क्लाइ बच्चों के ऊपर क्लाइमेट रिस्क का इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा होगा चाइना इज़ इन हाई कैटेगरी तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड को अलग अलग कैटेगरीज़ में बांटा गया है क्या होगा ये इंडेक्स हाउ इट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड सो इट रैंक्स कंट्रीज़ बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल शॉक्स Such as cyclones and heat waves, as well as their vulnerability to those shocks based on their access to essential services. Pakistan is on 14th position, Bangladesh is on 15th position, Afghanistan is also on 25th position, and India is on 26th position, are among four South Asian countries where children are at extremely high risk of the impact of the climate crisis. इंडियन सिनारियो की बात करें तो बेसिकली क्या होगा सो इंडिया इज अमोंग फोर साउथ इंडियन कंट्रीज चिल्ड्रेन मोस्ट एट रिस्क ऑफ द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रेटनिंग देयर हेल्थ एजुकेशन एंड देर प्रोटेक्शन इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 600 मिलियन इंडियंस विल फेस अक्यूट वाटर शॉर्टेजेस इन द कमिंग ईयर्स वाइल एट दी सेम टाइम फ्लैश फ्लडिंग इज टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज अर्बन एरियाज वंस दी ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज राइज अबाउट टू सेल्सियज ओके वी वी आर ऑलरेडी विटनेसिंग दिस अगर गुजरात की हम बात करें तो सौराष्ट्र जैसे जो एरियाज है जहाँ पर बारिश की कमी होती थी आज वहाँ पर आप देखोगे तो सडनली फ्लड जैसी सिचुएशन हम हमें देखने को मिल रही है राजकोट डिस्ट्रिक्ट जामनगर डिस्ट्रिक्ट एंड अदर सौराष्ट्रियन रीजन जबकि साउथ गुजरात में जहाँ पे बारिश की कभी कमी नहीं होती थी वहाँ पे आज हमें बारिश की किल्लत होती हुई दिख रही है सो दीज आर सम क्रूशियल चेंजेस देर वी आर गोइंग टू विटनेस इन फ्यूचर ईयर्स ट्वेंटी वन ऑफ दी वर्ल्ड्स थर्टी सिटीज़ विथ मोस्ट पोल्यूटेड एयर इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन इंडिया और इसको रिजॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ओके और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत पाँच Uh, पाँच सालों के अंदर फ्रॉम 2019 नाइनटीन टू ट्वेंटी जो एयर को क्लीन करने का जो प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा बेसिकली पॉल्यूशन को कम करने का प्रोग्राम चलाया जाएगा इन मोर देन 102 इंडियन सिटीज़ हमारी और अगर रीजनल uh, लेवल पे बात करें ग्राउंड लेवल की बात करें सो वाई वी आर एट मैक्सिमम वलनरेबिलिटी स्टेज ओके सो यंग पीपल लिविंग इन द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चार्ड नाइजीरिया गिनी एंड द गिनी आर द मोस्ट एट रिस्क ऑफ द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज दीज चिल्ड्रेन फेस अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोजर टू मल्टीपल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल शॉक्स विथ अ हाई वेलरेबिलिटी ड्यू टू इन एडिकुएट एसेंशियल सर्विसेज़ सच एज़ वाटर एंड सैनिटेशन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन तो अफ्रीका और इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज एंड इंडियन पेनसुला और सच रीजन के जहाँ पर ना तो अच्छी हेल्थ केयर है ना अच्छा एजुकेशन है तो इसकी वजह से बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा नियरली एवरी चिल्ड चाइल्ड अराउंड दर्ल्ड इज एट रिस्क

कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पर वन ऑफ दीज इश्यूज वी विल बी फेसिंग चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो अंडर डेवलप्ड नेशन हो या डेवलप्ड नेशन हो एन एस्टिमेटेड 850 फिफ्टी मिलियन चिल्ड्रन वन इन थ्री वर्ल्ड वाइड लिव इन एरियाज वेर एटलीस्ट फोर ऑफ दीज क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल शॉक्स ओवरलैप एज मैनी एज थ्री थर्टी मिलियन चिल्ड्रन वन इन सेवन वर्ल्ड वाइड लिव इन एरियाज़ अफेक्टेड बाई एटलीस्ट फाइव मेजर शॉक्स और ये शॉक्स आपको ऊपर दिए गए हैं रिकमेंडेशनस क्या है सो so बेसिकली हमें ग्लोबल वार्मिंग और जो और एन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा हेल्थ केयर में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा और एजुकेशन में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा सो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट अडेप्शन एंड रेजिलियंस की सर्विस फॉर चिल्ड्रन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन सो कंट्रीज मस्ट कट देर एमिशन बाई एटलीस्ट फोर्टी फाइव परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी टू कीप वॉर्मिंग टू नो मोर देन वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस और देखिए इसी के लिए पेरिस अग्रीमेंट बनाया गया है कि जो अंदाज़ा है कि 2050 तक जो हमारा टेम्परेचर है वो टू डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा उसको टू डिग्री सेल्सियस ना बढ़ाकर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको इंक्रीज होने देना है उससे ज़्यादा अगर इंक्रीज होता है तो डेट तो हाफ डिग्री सेल्सियस विल क्रिएट अ वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन दी ग्लोबल लेवल क्लाइमेट एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करना है अवेयरनेस फैलानी है सो प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ क्लाइमेट एजुकेशन एंड ग्रीन स्किल्स

Ensure pandemic recovery is inclusive. So, ensure the recovery from the COVID 19 pandemic is green, low carbon, and inclusive so that the capacity of future generations to address and respond to the climate crisis is not compromised. ओके okay, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज चिकनगुनिया वैक्सीन सो रिसेंटली इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंसड दैट भारत बायोटेक्स चिकनगुनिया वैक्सीन कैंडिडेट तो भारत बायोटेक वही कंपनी है जिसने इंडिया की इंडिजीनियस कोरोना वैक्सीन बनाई है विच इज़ अ कोवैक्सीन सो रिसेंटली इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंस्ड दैट भारत बायोटेक चिकनगुनिया वैक्सीन कैंडिडेट बी बी वी एटी सेवन हैज़ एंटर्ड इन टू फेज टू एंड थ्री क्लिनिकल ट्रायल्स करंटली देर इज नो कमर्शियल चिकनगुनिया वैक्सीन हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई चिकनगुनिया वैक्सीन नहीं है चिकनगुनिया बेसिकली मॉस्किटो मॉस्किटोबॉर्न डिजीज है वायरल डिजीज़ है जिसमें आपको बॉडी पेन सीवियर जॉइंट पेन जैसे सिम्टम्स uh, आपको देखने को मिलेंगे क्या है ये वैक्सीन सो बी बी वी एटी सेवन इज़ एन इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन सिमिलर टू को तो कोवैक्सीन इज़ ऑल्सो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन अब इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन बेसिकली होता क्या है कि वैक्सीन के जो लाइव स्ट्रेन है उसको थर्मली uh, केमिकल की मदद से हीट की मदद से या रेडिएशन की मदद से उनको क्या कर दिया जाता है मार दिया जाता है नाउ इन डेड सेल्स को या इनएक्टिवेटेड सेल्स को आपके बॉडी में एंटर किया जाएगा अब आपका बॉडी इतना एडवांस्ड है डेट एनी एक्सटर्नल मटीरियल अगर आपके बॉडी में एंटर करता है तो योर इम्यून सिस्टम विल रिएक्ट एंड यही रीजन है कि जब कोवैक्सीन या आ, कोई भी वैक्सीन जब आप लेते हो इवन इफ इट इज़ इनएक्टिवेटेड आपका बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करेगा और आपको कुछ घंटों के लिए बुखार या बॉडी पेन जैसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं जैसे ही आपके बॉडी को पता चलेगा दैट दिस इज़ इनएक्टिवेटेड वायरस और इसके सामने लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आप जल्दी से रिकवर कर लोगे बट नाउ योर बॉडी नोज दैट अगर इस टाइप के लाइव वायरस आते हैं देन मुझे लड़ना अब आता है अब आपके बॉडी को पता चल गया कि नियर फ्यूचर में इस तरीके के वायरस मेरे बॉडी को अटैक कर सकते हैं दे कैन अटैक माय बॉडी सेल्स सो योर बॉडी विल बी प्रिपेयर्ड टू फाइट व्हेन द एक्चुअल कोरोना वायरस अटैक्स योर बॉडी सो कोरोना की जो वैक्सीन है कोरोना इज स्टिल नॉट अ प्रिवेंटेबल डिजीज तो जो कोरोना वैक्सीन है दैट इज़ अ वन काइंड ऑफ अ इम्यूनिटी बूस्टर वो कुछ महीनों के लिए आपके बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट कर देगा ताकि आपका बॉडी कोरोना के सामने लड़ पाए वैक्सीन uh, लेने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर नाउ अलाउड टू नॉट वेयर अ मास्क और आपको कभी कोरोना होगा ही नहीं नो देट इज़ नॉट करेक्ट आपका बॉडी अब प्रिपेयर होगा जब कोरोना वायरस आपको अटैक करेगा इसका क्या मतलब है कि फॉर फॉर एन एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली हुई है उसको रिकवर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है मे बी फोर्टीन टू ट्वेंटी वन डेज जबकि जिसने कोरोना वैक्सीन ली हुई है उनको पाँच दिनों में या सात दिनों दिनों में कोरोना से उनका जो रिपोर्ट है दैट विल कम नेगेटिव वाई बिकॉज नाउ योर बॉडी इज़ प्रिपेयर टू फाइट कोरोना वायरस so it will uh, boost your immunity so bbv87 is an inactivated virus vaccine similar to co vaccine. inactivated vaccines contain viruses whose genetic material has been destroyed by heat chemicals or radiation so they cannot infect cells and replicate but can still trigger an immune response भारत बायोटेक्स चिकनगुनिया वैक्सीन कैंडिडेट वॉज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विथ दी इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट ऑफ चिकनगुनिया वैक्सीन इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ़ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल चिकनगुनिया वैक्सीन क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम ओके सो आई वी आई दैट इज इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप में हमने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है डेवलपमेंट ऑफ़ चिकन गुनिया वैक्सीन इज़ एन इनिशियेटिव ऑफ़ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एंड डी पी के तहत जो प्रोग्राम चल रहा है विच इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल चिकन गुनिया वैक्सीन क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो उसके साथ पार्टनरशिप में हमने ये वैक्सीन बनाई है उस गोल को अचीव करने के लिए अवर भारत बायोटेक इज ट्राइंग टू डेवलप अ वैक्सीन

वैक्सीन बनाना इज नॉट एन ईजी टास्क ओके तो आप अगर ये मानते हो कि आने वाले एक साल में हमको कोरोना से वी विल बी फ्री दैट इज़ नॉट करेक्ट वाई बिकॉज देखिए चिकनगुनिया जैसा डिजीज़ विच इज़ नॉट अ डेडली डिजीज़ 1952 में हमको पहली बार वो देखने को मिला था और ऑलमोस्ट 50 साल से ज़्यादा टाइम तक वी स्टिल डू नॉट हैव अ कमर्शियल वैक्सीन फॉर द डिज़ीज़

एल्बोपिक्टस मॉस्कीटोज दोज आर दैम मॉस्किटोज दैट ट्रांसमीट डेंगू वायरस तो जिस मच्छर से डेंग्यू होगा उसी मच्छर से आपको चिकनगुनिया के वायरस से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो मॉस्किटोज अक्वायर द इन्फेक्शन बाई बाइटिंग इन्फेक्टेड ह्यूम और एनिमल्स वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट देयर ब्रीडिंग एंड सरवाइवल सिम्टम क्या है सो इनक्लूड सीवियर जॉइंट पेन मसल पेन हेड एक Nausea, fatigue, and rashes. Treatment Currently, there are no vaccines or antiviral drugs available to cure chikungunya, and the treatment is only focused on relieving the symptoms associated with the infection. रीजन्स बिहाइंड स्प्रेड इन केसेस देर हैज़ बिन एन इनक्रीजिंग इंसिडेंसिस वैक्टरबोन डिजीजे इन अर्बन पेरी अर्बन और बिकॉज ऑफ हेफेजाराइजेशन तो हमारे यहाँ पानी भरने की जो समस्या होती है वो हमें देखने को मिलती है क्लिनलीनेस uh, की वजह से जो मच्छर पैदा होते हैं तो वो आसानी से इस दिस काइंड ऑफ डिज़ीज़ जो है वो उसको ईजीली फैला सकते हैं

नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो डिफेंस से लेकर है और कज़ाकस्तान के साथ हमने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है जिसका नाम है कज़िंद ट्वेंटी वन ओके वाई ट्वेंटी वन बिकॉज इट इट वाज डन इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो एडिशन ऑफ इंडिया कजाकस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कज़िंद ट्वेंटी विल बी कंडक्टेड इन कजाकस्तान तो इस बार इस बार उसको कौन होस्ट कर रहा है इस बार कजाकस्तान उसको होस्ट करेगा कजाकस्तान का जो कैपिटल है दैट इज़ नूर सुल्तान ओके तो ये नूर सुल्तान का नाम 2019 में ही बदला गया था अर्लियर इट वाज अस्ताना इंडिया एंड कजाकस्तान आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप एट एससीओ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम uh, कज़ाकस्तान के साथ सेम स्टेज शेयर करते हैं तो उसके साथ हमारे जो बायोलिटरल रिलेशन है वो बढ़ाने के लिए ये आज से पांच साल पहले हमने कजिंद को स्टार्ट किया था द एक्सरसाइज इज अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन बोथ द आर्मीज द स्कोप ऑफ ज्वाइंट एक्सरसाइज इंक्लूड्स प्रोफेशनल एक्सचेंज शेयरिंग एक्सपीरियंस इन काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन एक्सेट्रा तो बेसिकली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए uh, कजिंद को परफॉर्म किया जाता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी है दैट इज़ प्रबल दोस्तीक कजाकस्तान का हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है क्योंकि आज तक हमारे पास इतने ज़्यादा uh, बहुत मल्टीलेटरल स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारे नहीं थे सो फर्स्ट इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सेकेंड इट्स इकोनॉमिक पोटेंशियल एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सिस एंड दर्ड इट्स मल्टी एथनिक एंड सेक्युलर स्ट्रक्चर तो वो इंडिया के स्ट्रक्चर के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करता है कजाकस्तान में देर इज़ नो एक्सट्रीम थाट्स फॉर एनी काइंड ऑफ रिलीजन एंड इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज अ सेक्युलर कंट्री तो इंडिया के साथ उसका जो मैच है दैट इज़ वेरी गुड दूसरा है उसका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन uh, तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से इंडिया को फ़ायदा हो सकता है दैट्स वाई इंडिया पेइंग अटेंशन देर एंड थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक पोटेंशियल तो क्योंकि वो डेवलपिंग नेशन है तो इंडिया अपने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डाल सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पेशली एनर्जी रिसोर्सेस कजाकस्तान इज़ दी मोस्ट रिसोर्स रिच कंट्री इन सेंट्रल एशिया एंड इज़ ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर इंडिया एंड कजाकस्तान एक्टिवलीपरेट अंडर द एजिज ऑफ वरियस मल्टीलेटरल फोरा इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया शांघाई कोऑपरेशन ऑपरेशन दट इज़ एस सी ओ एंड दूनाइटेड नेशनस ऑर्गेनाइजेशन तो यू एम पे भी कजाकस्तान ने मल्टीपल टाइम इंडिया को सपोर्ट किया है तो एक छोटा सा टॉपिक uh, था एंड क्वाइट एंड इजी टॉपिक फॉर अस नेक्स्ट इज समृद्ध प्रोग्राम क्या है ये समृद्ध प्रोग्राम तो बेसिकली स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए समृद्ध प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथी हैज़ लॉन्च दी स्टार्टअप एक्सिलरेटर्स ऑफ मैथी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ समृद्ध प्रोग्राम क्या है ये समृद्ध प्रोग्राम सो टू क्रिएट अ कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म टू इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप टू एनहांस देयर प्रोडक्ट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट फॉर स्केलिंग देयर बिजनेस तो देखिए जो जो भी छोटे स्टार्टअप्स है स्टार्टअप के आइडियाज़ है इन्वेस्टर्स है सेलर्स और बायर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होंगे उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है टू क्रिएट अ कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म टू इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स टू एनहांस देयर प्रोडक्ट्स एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट फॉर स्केलिंग दर बिजनेस तो इट्स अ वन काइंड ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली जहाँ पे सेलर्स आएंगे बायर्स आएंगे इन्वेस्टर्स आएंगे ताकि उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके और उनका ग्रो हो सके विच विल अल्टीमेटली हेल्प दी इंडियन इकनॉमी टू ग्रो एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फोकसिस एंड ऑन एक्सेलरेटिंग द थ्री हंड्रेड स्टार्टअप्स बाई प्रोवाइडिंग कस्टमर कनेक्ट इन्वेस्टर कनेक्ट एंड इंटरनेशनल इमर्जन इन द नेक्स्ट थ्री ईयर्स तो ये उसका गोल है कि कस्टमर इन्वेस्टर्स और uh, को कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि जो स्टार्टअप है उसका इजीली ग्रो हो सके टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू रुपीज़ फोर्टी लैक टू द स्टार्टअप बेस्ड करंट वैल्यूएशन एंड ग्रोथ स्टेज ऑफ द स्टार्टअप थ्रू सिलेक्टेड एक्सेलरेटर्स बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मैथी स्टार्टअप हब तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो स्टार्टअप हब है उससे इसको इम्प्लीमेंट uh, किया जाएगा एम एस एच एक्ट एज अ नेशनल कोऑर्डिनेशन facilitation and monitoring center that will integrate all the incubation centers startups and innovations related activities of mathi to further the indian startup growth which has seen the emergence of 63 unicorns

यूनिकॉन इज़ अ टर्म यूजड इन द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री टू डिस्क्राइब अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विथ अ वैल्यू ऑफ ओवर वन बिलियन डॉलर ओके तो उसको आप उस कंपनी को आप क्या कहोगे यूनिकॉन कहोगे जो कि नई स्टार्ट हुई है जो कि एक स्टार्टअप है जिसका जो वैल्यू है स्टार्टअप वैल्यू दैट इज वन बिलियन डॉलर Next is again a very important topic for us and that is price determination of sugarcane. So recently the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the hike in the fair and remunerative price this com FRP. पी कहेंगे ऑफ शुगर केन फॉर शुगर सीजन 2021 ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो आने वाले साल के लिए जो शुगर प्राइस है वो एफ आर पी के तहत डिसाइड की जाएगी देखिए हमें ऑलरेडी एम एस पी के बारे में पता है दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है सो वॉट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइज एंड वॉट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एफ आर पी एंड एम एस पी वी विल सी दैट पहले एम एस पी का थोड़ा ओवरव्यू ले, ले लेते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब डिस्प्ले uh, की जाती है जब पब्लिश की जाती है सो दैट इज़ एन अश्योरेंस टू फार्मर्स दैट एनीथिंग इफ़ एनीथिंग हैपेंस गवर्नमेंट विल बाय योर क्रॉप आई मीन फार्मर्स क्रॉप ऑन द प्री डिसाइडेड रेट ओके ताकि किसानों को फार्मर्स को एक तरह की फिनेंशियल सिक्योरिटी मिले कि वो जो फार्मिंग कर रहे हैं उसका एक वाजिब दाम उनको दिया जाएगा आफ्टर दी क्रॉप सीजन सो शुगर केन प्राइजिंग कैसे डिसाइड होती है सो शुगर केन प्राइजिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट एफ आर पी के अंडर डिसाइड करती है दैट इज़ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइज The central government announces fair and remunerative prices, which are determined on the recommendation of the Commission for Agriculture Cost and Prices, that is CACP, and announced by the Cabinet Committee on Economic Affairs. CCEA is chaired by the Prime Minister of India. द एफ आर पी इज़ बेस्ड ऑन दी रंगराजन कमेटी रिपोर्ट ऑन री ऑर्गेनाइजिंग दी शुगर केन इंडस्ट्री तो देखिए हमारे यहाँ शुगर केन इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है महाराष्ट्र यूपी मध्य प्रदेश एच ऐसे जो स्टेट है वहाँ पर आपको शुगर केन ज़्यादा होती हुई दिखेगी उससे चीनी के दाम भी डिसाइड होंगे शुगर केन के प्राइज़ की मदद से तो रंगराजन कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट को दैट शुगर केन इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज करने के लिए उसको रिवाइव करने के लिए आपको एफ आर पी बेस्ड प्राइजिंग लाना पड़ेगा सो एफ आर पी वॉज रिकमेंडेड बाय रंगराजन कमेटी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट अडवाइज प्राइजेस द एस ए पी आर अनाउंसड बाई द गवर्नमेंट्स ऑफ की शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एस ए पी इज़ जनरली हायर देन एफ आर पी तो स्टेट एडवाइज प्राइज़ेज जो होते हैं वो एफ आर से जनरली हायर होंगे शुगर केन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है शुगर केन सो शुगर केन को उगने के लिए टेम्परेचर चाहिए बिटवीन ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस विथ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट तो जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको ये टेम्परेचर आसानी से ज़्यादातर महीनों साल के ज़्यादातर महीनों में आपको ये टेम्परेचर मिल जाएगा रेनफॉल चाहिए अराउंड 75 फाइव टू हंड्रेड सेंटीमीटर सॉइल टाइप इज डीप रिच लोमी सॉइल टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु एंड बिहार इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील तो पूरी दुनिया में ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा शुगर कहाँ शुगर केन कहाँ प्रोड्यूस होता है इन in इंडिया It can be grown on all varieties of soils, ranging from sandy loam to clay loam, given these soils should be well drained. It needs manual labor from sowing to harvesting. It is the main source of sugar, gur, that is, jaggery, uh, khansari, and molasses. Scheme for extending financial assistance to sugar undertakings and national policy on biofuels are.

डेफिनेशन क्या है सो एफ आर पी इज़ द मिनिमम प्राइज एट विच शुगर केन इज़ टू बी परचेज बाय शुगर मिल्स फ्रॉम फार्मर्स तो शुगर मिल फार्मर्स से कितने दाम पर मिनिमम uh, कितने मिनिमम प्राइस पर शुगर केन खरीदेगी वो प्राइस को कहा जाएगा एफ आर पी एम एस पी इज़ अ मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसिडर्स एज अ रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स एंड हिंस डिजर्विंग ऑफ सपोर्ट इट इज़ ऑल्सो द प्राइज दैट गवर्नमेंट एजेंसीज पे वेनेवर दे प्रोक्योर द पर्टिक्युलर क्रॉप मान लीजिए गवर्नमेंट ने अगर चालीस uh, रुपये किलो के हिसाब से एम एस पी डिसाइड की है ओके एम एस पी टन के ऊपर डिसाइड होगी तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ चालीस मिनिमम फोर्टी रुपीज़ तो देगी ही देगी गवर्नमेंट को बाकी का उसके ऊपर का जो प्राइस है दैट विल बी दी बेस्ड ऑन दी क्वान्टिटी तो ये डिफरेंस हो गया एफ आर पी और एम एस पी की डेफिनेशन हो गई रिकमेंडेशन क्या है सो एफ़ आर पी रिकमेंड किया जाता है जैसे कि हमने अभी देखा एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस सी ए सी पी के थ्रू सो रिकमेंडेड बाई द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज सी ए सी पी रेकमेंडेड बाई कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज तो एम एस पी बी सी ए सी पी ही आपको रिकमेंड uh, करेगी जिसके जो चेयरमैन है दैट इज प्राइम मिनिस्टर ओके मैंडेटेड क्रॉप्स सो एफ के लिए मैंडेटेड क्रॉप अभी सिर्फ शुगर केन है बाकी के कोई क्रॉप को एफ के अंडर अभी तक नहीं डाला गया है एमएसपी बदलता रहता है बेस्ड ऑन दी प्रोडक्शन एंड बेस्ड ऑन दी डिमांड एमएसपी में चेंजेस होते रहेंगे विच विल बी डिसाइडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट सो दी मैंडेटेड क्रॉप्स इंक्लूड फोर्टीन क्रॉप्स ऑफ दी खरीफ सीजन सिक्स राबी क्रॉप्स एंड अदर कमर्शियल क्रॉप्स तो सीरियल्स कौन से हैं पेडी वीट बैरली जोआर बाजरा मेज एंड रागी मेज मतलब मकाई का जो क्रॉप है दैट इज नोन एज मेज पल्सिस कौन से है ग्राम अरहर तूर दाल मूंग दाल उरद एंड अदर लेंटिल्स ऑयल सीड्स ग्राउंडनट रेप सीड मस्टर्ड तोरिया सोयाबीन सनफ्लावर सीड आ, सेसमे सनफ्लावर सीड एंड नाइजर सीड रॉ कॉटन रॉ जूट कोपरा डीहस्ड कोकोनट ये सारी जो चीजें हैं दोज आर एज ऑफ नाउ इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंसिडरेशन एफ को कंसिडर करने के लिए एफ को आ, किसी क्रॉप को एफ में लाने के लिए क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती है सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन रिटर्न टू दी ग्रोअर्स फ्रॉम ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स एंड द जनरल ट्रेंड ऑफ प्राइजिज ऑफ एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर टू कंज्यूमर एट अ फेयर प्राइस तो अगर मान लीजिए कि शुगर के दाम बढ़ जाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है उतने कम फार्मर्स ने शुगर केन बनाई है तब जाके शुगर की आ, जो वॉल्यूम है इन द कंट्री दैट इज़ लो और उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है इस केस में क्या होगा प्राइस राइज हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि शुगर जैसी जो डे टू डे यूज़ की जो चीज़ है उसके प्राइजेज हाई हो दैट्स तो वाई तो गवर्नमेंट ने उसको एफ में रखा है प्राइजिज एट विच शुगर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन इज़ सोल्ड बाई शुगर प्रोड्यूसर्स रिकवर ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन

प्राइजेस बढ़ जाएंगे विच विल ब्रिंग इन्फ्लेशन तो वो गवर्नमेंट नहीं चाहती एंड दैट्स वाई जो बेसिक क्रॉप्स हैं उनको हमेशा एम में रखा जाता है ताकि गवर्नमेंट सम सप्लाई और डिमांड चेन को कंट्रोल uh, कर सके मार्केट प्राइस ट्रेंड्स उसको कंसिडर किया जाएगा इम्प्लीकेशन फॉर कंज्यूमर्स इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में लिया जाएगा एनवायरमेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स लीगल बैकिंग क्या है सो द प्राइजिंग ऑफ शुगर केन इज़ गवर्न बाई द स्टेचुटरी प्रोविजन ऑफ़ द शुगर केन ऑर्डर नाइनटीन सिक्सटी सिक्स इश्यूड अंडर देंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव देखिए जब भी देश में कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी तो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट को गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेगी और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज़ कौन से प्राइजिज में बेचनी है क्यों ताकि Uh, उस चीज़ के लिए डिमांड ज़्यादा ना बढ़े पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो इसके लिए एम एस पी इज एन ऑब्लिगेटरी नॉट ए स्टेचुटेटरी स्टेचुटरी एक्सरसाइज तो एम एस पी के लिए देर इज नो लीगल बाइंडिंग currently there इज़ नो no statutory बैकिंग फॉर MSP or any और एनी लॉ मैंडेटिंग But it's बट इट्स एन ऑब्लीगेशन है एक गवर्नमेंट का और हर कोई गवर्नमेंट आएगी वो फार्मर्स को एम देने का वादा करती है और उस वादे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट एम लेकर आती है जो नए फार्म बिल्स आए हैं उसमें भी देखिए एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है एंड दैट्स व्हाई द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग दैट एमएसपी को आप लीगल कर दीजिए तब जाके हम हमारा फार्मर प्रोटेस्ट खत्म करेंगे तो ये बात हो गई शुगर के इनके प्राइजिंग के बारे में जो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लिया और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है सीएसीपी ने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थर्टी सेवेंथ प्रगति मीटिंग पहले तो प्रगति मीटिंग गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी चेयरमैनशिप खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं प्राइम मिनिस्टर विल सिट विथ सेंटर लेवल सेक्रेटरीज एंड स्टेट सेक्रेटरीज एवरी मंथ टू लुक फॉर दी इम्प्रूवमेंट्स इन दी ऑन गोइंग इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स तो एक प्रोएक्टिव तरीके से प्राइम मिनिस्टर हर महीने हर जो बड़ी बड़ी स्कीम्स है गवर्नमेंट की या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिव्यू करेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होगा और जो इश्यूज़ आ रहे हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसको दूर करने के लिए सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड द थर्टी सेवंथ एडिशन ऑफ प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन दैट इज़ नोन एज प्रगति मीटिंग द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म इन्वॉल्विंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स this in this meeting prime minister reviewed various projects worth rupees 126000 crores along with the one nation one ration card scheme onorc scheme we all know about onorc scheme the onorc scheme aims at providing subsidized food grains to migrant workers and their family members at any fair price shop एनी वेयर इन द कंट्री अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ट्वेंटी थर्टीन ओके अगर आपको नहीं पता है यू कैन गो बैक टू प्रीवियस लेक्चर हमने डिटेल में ओ एन ओ आर सी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है प्रगति मीटिंग को लॉन्च किया गया था इन ट्वेंटी फिफ्टीन इट इंक्लूड्स अ थ्री लेयर सिस्टम विच इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस union government secretaries and chief secretaries of the state so pragati meeting the idea has been designed by the prime minister office team with the help of the national informatics center इट अनेबल्स द प्राइम मिनिस्टर टू डिस्कस द इश्यूज विथ द कंसर्न सेंट्रल एंड स्टेट ऑफिशियल्स विथ फुल इंफॉर्मेशन एंड लेटेस्ट विजुअल्स ऑफ द ग्राउंड लेवल सिचुएशन जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उनकी ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है वो प्राइम मिनिस्टर को बताई जाएगी वाया प्रगति मीटिंग द प्रगति प्लेटफॉर्म यूनिकली बंडल थ्री लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज डिजिटल डाटा मैनेजमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इट इज़ अ थ्री टीयर सिस्टम वेयर इट इंक्लूड्स पी एम ओ यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट तो बेसिकली देखिए अगर मैं मैंने पिछले महीने ये गुजरात से बताया था कि सो एंड सो प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट है दैट इज सिक्सटी परसेंट दैट प्रोजेक्ट इज़ फिनिश्ड इस महीने जब मैं प्रगति मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के सामने जाऊंगा तो आई हैव टू प्रोवाइड अ डेवलपमेंट देर इम्प्रूवमेंट ओवर देर दैट इस बार uh, मेरा जो काम है वो 62% या yeah, 63% कंप्लीट हो गया है अगर वो नहीं हुआ है देन आई हैव टू जस्टिफाइट दैट गवर प्राइम uh, मिनिस्टर और यूनियन सेक्रेटरीज मुझसे पूछेंगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है स्टेट गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है लॉजिस्टिक के इशू है कोई uh, मंत्रालय आपको मदद नहीं कर रहा है कहाँ पे आपको समस्या आ रही है वो हमें बताइए एंड सब लोग साथ में मिलकर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर उसको दूर करने का काम करेंगे उसको रिजॉल्व करने का काम करेंगे जिससे क्या होगा जो प्रोग्राम है वो आपका टाइमली इंप्लीमेंटेशन हो पाए और ट्रांसपेरेंसी बढ़ पाए प्रगति मीटिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ग्रीवियसिस रिड्रेसल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी इश्यूज़ है उसको सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट इज़ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम ट्रांसपेरेंसी के साथ टाइमली इंप्लीमेंटेशन हो वो देखने का काम किसका है प्रगति में उसको रिव्यू किया जाएगा एंड देन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ओके okay, तो प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से मॉनिटर करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे और उनकी ऑफिस ये काम करेगी सिग्निफिकेंस क्या है सो इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज इट ब्रिंग्स टुगेदर द सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट इट इज़ अ रोबस्ट सिस्टम फॉर ब्रिंगिंग ई ट्रांसपेरेंसी एंड ई अकाउंटेबिलिटी विथ रियल टाइम प्रेजेंस एंड एक्सचेंज अमोंग द की स्टेक होल्डर्स इट इज एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट इन ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस तो ये सारे उसके फायदे हैं कंसर्न्स क्या है देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इज नॉट अवेलेबल इन दिस मीटिंग एंड दैट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्ट स्टेट्स तो काफी सारे जो स्टेट्स है वो ये मानते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर्स की अथॉरिटी कम करने का एक एक और रास्ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिससे इंडियन जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है सो द डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ दी द स्टेट सेक्रेटरीज विदाउट इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट इज द स्टेट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट इज चीफ मिनिस्टर इट इज ऑल्सो सेड दैट दिस इज लीडिंग टू अंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ पी एम ओ तो हर जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हक जताना चाहती है इससे ये हमें पता चलता है बट दैट इज अपन फॉर डिस्कशन काइंड ऑफ अ टॉपिक सो वी विलीव इट टू दैट सो ये हो गया बात प्रगति मीटिंग के बारे में आई होप यू हैव अंडरस्टुड दिस सो ये था आज का हमारा लेक्चर आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स प्लीज लेट अस नो इन केस ऑफ एनी डाउट्स और क्वेश्चंस एंड वी विल रिजॉल्व योर क्वेरी टिल दैट टाइम स्टे होम स्टे सेफ स्टे हैप्पी